So this is CS Anidya Saraf and we are revising through the Competition Act 2002. तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है कंपटीशन एक्ट। सबसे पहले कंपटीशन एक्ट की बात करें तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए कंपटीशन एक्ट क्यों है। कंपटीशन एक्ट इस बात का ध्यान रखने के लिए है कि इंडिया में कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंटर ना हो और जो कंपटीशन का प्रोसेस है वो बहुत ही स्मूथ ना हो, कंपटीशन हेल्दी हो इंडिया के अंदर ना। कंपटीशन कौन से एंटरप्राइजेस में एप्लीकेबल होगा उसके लिए अपने को डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइजेस देखना होगा। कंपटीशन एक्ट कौन से एंटरप्राइजेस में एप्लीकेबल है ना, अगर आप एंटरप्राइज के डेफिनेशन में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा आपके दिमाग में जो आता है, इंडिविजुअल आता है, HUF आता है, AOP आता है, BOI आता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आता है, जो आता है हर कोई एंटरप्राइज के डेफिनेशन में फॉल कर रहा होगा। जो एक्टिविटी आपके दिमाग में आती है, प्रोडक्शन आता है, स्टोरेज आता है, सप्लाई आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है या सबसे के थ्रू इन्वेस्टमेंट आता है, जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है सब कुछ एंटरप्राइज के डेफिनेशन में फॉल कर रहा होगा। तो अपने को मेनली ये याद रखना है कि एंटरप्राइज के डेफिनेशन में क्या नहीं आता। तो जो सवरिन फंक्शन है गवर्नमेंट की, जहाँ पे गवर्नमेंट के एक्सक्लूसिव राइट है, वेयर गवर्नमेंट फेसेस नो कॉम्पिटिशन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, वो वाली चीज़ें, चार चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, करेंसी, स्पेस। एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, करेंसी, स्पेस, ये चार चीज़ें हैं जो एंटरप्राइज के डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। और एंटरप्राइज का जो डेफिनेशन है एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट का डेफिनेशन है वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जहाँ कहा गया है एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्ट, कंसर्ट यानी ग्रुप, चाहे वो एग्रीमेंट फॉर्मल हो या राइटिंग में हो, चाहे वो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल हो या ना हो। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कार्टल्स, कोई भी कार्टल्स एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जहाँ कहा गया है कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं और एग्रीमेंट बनाकर प्राइस को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्शन को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, उसे कार्टल कहा गया है। देन वी हैव द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अगेन कंज्यूमर का डेफिनेशन हमने बोला, जिस बंदे ने माल परचेज किया, गुड्स परचेज किया और बदले में कंसिड्रेशन पे किया, वो तो कंज्यूमर है ही है, बट उसके अलावा जो यूज़र ऑफ गुड्स है वो भी कंसिड्रेशन है। अब चाहे गुड्स का परचेज हमने पर्सनल पर्पज़ के लिए किया हो या रीसेल के लिए किया हो या कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए किया हो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सिमिलरली अगर मैंने सर्विस हायर करी है कंसिड्रेशन के बदले, मैं तो कंज्यूमर हुई, जो बेनिफिशियरी है सर्विसेज का वो भी कंज्यूमर है, चाहे मैंने सर्विसेज को हायर किसी भी पर्पज़ के लिए किया हो, कमर्शियल के लिए किया हो या पर्सनल पर्पज़ के लिए किया हो। फिर उसके बाद गुड्स का डेफिनेशन है। गुड्स के डेफिनेशन में कहा गया गुड्स यानी कि वो वाले गुड्स जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिफाइंड है, एंड उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, प्रोसेस हुए हैं, माइंड हुए हैं, वो डिबेंचर्स, वो स्टॉक्स, वो शेयर जो आफ्टर अलॉटमेंट हैं, एंड वो गुड्स जो इंडिया में सप्लाई हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं, दिस फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। उसके बाद वी हैव द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन में मेनली पांच सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सेक्शन 3 दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन, सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन, सेक्शन 11 रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ चेयरमैन और मेम्बर ऑफ CCI, राइट। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसके अलावा एक दो सेक्शन और है जो बीच में रेलिवेंस रखती हैं। तो सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, जहाँ सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि व्हाट आर दिस एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स यानी कि वो एग्रीमेंट जो दो लोगों के बीच, दो पर्सन के बीच, दो एंटरप्राइजेस के बीच, प्रोड्यूसर्स के बीच, सेलर्स के बीच, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच बनाई गई है कि हम प्राइस को डिटरमाइन कर लें, प्राइस को डिटरमाइन कर लें कि सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है, या फिर प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लें कि माल कितना बेचने वाले हैं, सप्लाई को कंट्रोल कर लें, मार्केट को डिवाइड कर लें, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को डिसाइड कर लें कि भाई कौन कितना टेक्नोलॉजी लाने वाला है, कौन कितना नहीं लाने वाला, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे ये डिसाइड कर लें, कौन कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, कौन नहीं करने वाला, मार्केट को डिवाइड कर लें, भाई तो साउथ को संभाल, मैं नॉर्थ को संभालता हूँ। तो इस तरीके से अपन क्या कर लें, एग्रीमेंट बना लें या फिर बिड रिगिंग करें या कॉलूसिव बिडिंग करें। तो माना जाएगा कि इट विल हैव एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया और उसे वॉइड करार करेंगे। उसके बाद सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 के अंदर टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स है हमारे पास अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ सप्लाई चेन, जहाँ पे वी हैव टाई इन अरेंजमेंट, वी हैव एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट, वी हैव एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट, वी हैव रिफ्यूजल टू डील एंड वी हैव रिसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो पहले चार बहुत सिंपल थे, टाई इन अरेंजमेंट, एक के साथ दूसरा को लेना ही होगा, एक्सक्लूसिव सप्लाई हमने फिक्स कर दिया, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अगेन हमने डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया फिक्स कर दिया, रिफ्यूजल टू डील हमने फिक्स कर दिया कि आपको किससे माल खरीदना है किससे नहीं खरीदना,
एंड रिसेल प्राइस मेंटेनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे मैंने माल को बेचा ही इसी कंडीशन में कि सेकेंड जो पार्टी है उसको उतने ही प्राइस में खरीद बेचना होगा। ए ने माल बेचा ही बिको इस कंडीशन में दैट बी विल हैव टू सेल द गुड्स एट ₹120 ओनली, दैट इज रिसेल प्राइस मेंटेनेंस। उसके बाद सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन। देखो डोमिनेंट कैसे है, डोमिनेंट होना इज नॉट रॉन्ग, कैसे पता चलेगा कि तुम डोमिनेंट हो कि नहीं, काफ़ी सारे फैक्टर्स दिए हैं चैप्टर के अंदर, जैसे कि मार्केट साइज देखकर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखकर, बाइंग पावर देखकर, कंज्यूमर्स की डिपेंडेंस चेक करके, तुमने कितना इकोनॉमी में डेवलपमेंट किया है ये देखकर, एक्सेस तो टू राइट मार्केट। एक्सेस टू मार्केट, डेवलपमेंट तुमने मार्केट में कितना किया है, कंज्यूमर तुम्हारे ऊपर कितना डिपेंडेंट है, इकोनॉमिक पावर तुम्हारी कितनी है, तुम्हारी मोनोपोली पावर कितनी है, ये सारे फैक्टर्स देखकर अपन डिटरमाइन करेंगे तुम डोमिनेंट होगे नहीं हो। बट डोमिनेंट होना इज नॉट रॉन्ग, अब्यूजिंग ऑफ डोमिनेंट पोजिशन इज रॉन्ग। अब जो चीज़ हमने सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में किया था कि भाई ग्रुप मिलकर क्या कर रही है, आपस में प्राइजेस को डिसाइड कर रही है, प्रोडक्शन को डिसाइड कर रही है, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन को लिमिट कर रही है, वो सारी चीज़ें डोमिनेंस को यूज़ करके अगर मैं कर रहा हूँ, आई एम रेस्ट्रिक्टिंग द प्रोडक्शन, आई एम लिमिटिंग द प्राइजेस, आई एम फिक्सिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट, आई एम डूइंग सब डिस्क्रिमिनेटरी एक्टिविटीज़, आई एम एंगेज इन प्रिडेटरी प्राइजिंग, यानी कि सेल प्राइस से कम में माल को बेचना बिकॉज मेरा डोमिनेंस है, या फिर आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ रिजल्टिंग इन डिनाइल ऑफ मार्केट एक्सेस, मतलब मैं डोमिनेंट हूँ और मैं नए प्लेयर को मार्केट में एंटर नहीं करने दे रहा, या फिर आई एम फोर्सिंग सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन विच इज़ हैविंग नो कनेक्शन विद सब्जेक्ट मैटर, यानी कि मेरा डोमिनेंस है, आईफोन का डोमिनेंस है, आईफोन कहता है कि तुझे अपने से आईफोन परचेज करना है तो तुझे अपने से अपने साथ क्या करना पड़ेगा, अपना नया बॉटल्स निकला है खाने को गर्म रखने का, तुझे वो भी खरीदना पड़ेगा, मतलब फालतू का एकदम ऑब्लिगेशन है, इट मेक्स नो सेंस, बट अपना डोमिनेंस को मिसयूज़ कर रहा है, या फिर एक मार्केट का डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ करके दूसरे मार्केट में एंटर कर रहा है, तो माना जाएगा कि यू आर अब्यूजिंग द डोमिनेंट पोजीशन। उसके बाद सेक्शन 5 में कॉम्बिनेशन के लिमिट्स दिए हैं कि कॉम्बिनेशन अगर पार्टिकुलर लिमिट्स को एक्सीड कर रही है तो आपको CCI के अप्रूवल चाहिए, पहला इंडिविजुअल्स के लिए, दूसरा ग्रुप्स के लिए। तो मैंने इसमें बताया था कि आप सिर्फ एक टेबल याद रखना, कॉलम बना लेना, लोकेशन एसेट्स टर्नओवर, लोकेशन के नीचे दो कॉलम्स इन इंडिया एंड इंडियन आउटसाइड इंडिया। अब आप सिर्फ इतना याद रखना कि अगर एसेट का साइज़ इंडिविजुअल वाले टेबल में, अगर एसेट का साइज़ 2000 करोड़ से ज़्यादा है CCI के अप्रूवल चाहिए। अब आप टर्नओवर वाले कॉलम में इंटू 3 करो और नीचे वाले कॉलम में हाफ करो, यानी टर्नओवर 6000 करोड़ और नीचे वाले कॉलम में $1000 मिलियन, और जो ग्रुप वाला टेबल है उसमें 3 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, कमिश्नर का रेजिग्नेशन। कमिश्नर का रेजिग्नेशन के केस में अगेन अपन देखेंगे 3 मंथ नोटिस, या फिर जब तक सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता, या फिर जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और को अलाउ नहीं कर देती, या मेरा टर्म ख़त्म नहीं हो जाता। रिमूवल के कुछ ग्राउंड्स थे वहाँ पे, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन को रिमूव कर सकती थी, लेकिन आपको याद होगा 2 ग्राउंड्स ऐसे थे जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करना पड़ता था। वो 2 ग्राउंड्स थे कि अगर चेयरमैन ने फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया, या मेंबर ने फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया, या फिर अपने पोजीशन का अब्यूज़ किया, या तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर किया या फिर तो अपने पोजीशन का अब्यूज़ किया, इन 2 ग्राउंड्स में सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकती, उसको मामला रेफर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, ओनली देन ही कैन बी रिमूव्ड। एंड उसके अलावा सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे लिखा था कि अगर एक पार्टी है जिसका केस चल रहा था CCI के सामने एंड उस वक्त मैं चेयरमैन था, तो मेरे अपॉइंटमेंट, मेरे जब मैं ऑफिस छोड़ दूंगा, व्हेन आई विल बी सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस, उसके 2 साल तक मैं उस पार्टी के वहाँ किसी भी पोस्ट को ले नहीं सकता, लेकिन एक्सेप्शन है कि आई कैन बी अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी, वो एक्सेप्शन हैं वहाँ पे। उसके बाद अगर कभी भी CCI को शक होता है कि अपन क्या कर रहे हैं, कुछ एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो CCI क्या कर सकती है, कमिश्नर क्या कर सकता है, कुछ हमारे ऊपर ऑर्डर्स पास कर सकता है, वो डायरेक्ट कर सकता है कि तुम एग्रीमेंट को डिसकंटिन्यू करो, वापस से एग्रीमेंट एंटर ना करो, वो हमारे पास पेनल्टी इम्पोज कर सकता है अप टू 10% ऑफ एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, वो अपने को एग्रीमेंट मॉडिफाई करने को कह सकता है, ये अपने को किसी भी तरीके का डायरेक्शन दे सकता है जो अपने को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। अब इन सारे क्वेश्चन के अलावा कुछ क्वेश्चन और मिलते हैं, जैसे क्या CCI एक्सपर्ट की सर्विसेज यूज़ कर सकता है क्या, तो द आंसर इज येस, द कमिश्नर कैन यूज़ द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। उसके अलावा कमिश्नर रेलिवेंट मार्केट, जियोग्राफिक मार्केट को देखते वक्त क्या डिसाइड करेगा, कमिश्नर रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट को देखते वक्त क्या फैक्टर्स देखेगा, जैसे मैंने आपको बताया था जियोग्राफिक मार्केट, यानी जियोग्राफी के बारे में सोचो कि अच्छा बॉम्बे या साउथ, तो साउथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, साउथ में लोगों की प्रेफरेंसेस क्या होगी, साउथ में लोग लैंग्वेज क्या यूज़ करते हैं, साउथ में लोगों को आफ्टर सेल सर्विस कितनी चाहिए।
अगर मैं रेलिवेंट प्रोडक्ट की बात करूँ, आप प्रोडक्ट के बारे में सोचो, अच्छा प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, उसका फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसका प्राइस क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, राइट? तो इस तरीके से हमने याद किया था। और प्रैक्टिस मैनुअल में एक क्वेश्चन हमने बोला था कि प्रैक्टिस मैनुअल से एक क्वेश्चन आपको करना है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि वो प्रैक्टिस मैनुअल से करना है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमने करी थी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, CCI के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर करी थी।